जादुई दो चुड़ैल। बहुत समय पहले की बात है, ढोलकपुर गांव के सभी गांव वाले हंसी खुशी से रह रहे थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि तभी उस गांव में एक डायना नाम की चुड़ैल आकर अपना कब्जा कर लेती है, तरह तरह से लोगों को परेशान करती है। चुड़ैल अपनी बेटी मोना चुड़ैल के साथ गांव के जंगलों में रहती थी। सभी गांव वाले चुड़ैल को आता देख अपने अपने घरों में घुस जाते थे। चुड़ैल को जो भी आदमी या औरत अच्छा लगता उसे पकड़कर अपने साथ अपने जंगलों में ले जाती। चुड़ैल को इंसानी मीट बड़ा अच्छा लगता था। उसी गांव में एक घर था जिसमें रोहित अपनी छोटी बहन पलक के साथ रहता था। एक दिन रोहित और पलक स्कूल से घर की तरफ आ रहे होते हैं कि तभी रास्ते में डायना चुड़ैल उन्हें पकड़ लेती है और अपने साथ जंगल में अपने भूतिया महल में ले जाती है। सुनो, तुम दोनों आज से इस महल में ही रहकर मेरी और मेरी बेटी की सेवा करोगे, और हाँ, अगर जरा भी भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें खोलते हुए तेल में डालकर पका दूंगी। परंतु तुमसे हमारी क्या दुश्मनी है जो तुम हमें यहाँ ले आई? चुपचाप से हमें हमारे माँ बाप के पास छोड़ आओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऊंचे स्वर में बात करने की? क्या तूने मेरे बारे में नहीं सुना है? मैं तुझे अपनी जादुई शक्तियों से एक मिनट में जलाकर यहीं भस्म कर दूंगी। माफ कर दीजिए चुड़ैल जी, हम आपकी सभी बातें मानने के लिए तैयार है, कृपया मेरे भाई को कुछ मत करना। ये हुई ना बात, चलो जाओ, अब अपने अपने कामों में लग जाओ। और इस तरह चुड़ैल रोहित और पलक पर दिन रात अत्याचार करना शुरू कर देती है। वो उनसे घर के सभी काम करवाती तथा समय पर भोजन भी नहीं दिया करती। चुड़ैल की बेटी मोना दिखने में बहुत ही बदसूरत और काली थी, जबकि पलक एक बहुत ही सुंदर और आकर्षित लड़की थी। मोना चुड़ैल पलक की खूबसूरती से बहुत जलती थी और बात बात पर उसे ताने दिया करती थी। वहीं दूसरी तरफ मोना चुड़ैल पलक के भाई रोहित से धीरे धीरे प्यार करने लगती है और उसे रोहित अच्छा लगने लगता है। परंतु रोहित मोना चुड़ैल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। इसी तरह दिन निकल रहे थे और एक दिन, माँ, मुझे रोहित बहुत पसंद है और मैं रोहित से शादी करना चाहती हूँ। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा है, परंतु आज मैं आपसे अपने लिए रोहित मांग रही हूँ, कृपया करके आप मेरी ये विश को पूरा करें माँ। क्यों नहीं मेरी प्यारी बेटी, बस इतनी सी बात, मैं तेरी शादी बड़े धूमधाम से रोहित से ही कराऊंगी। तू चिंता मत कर, आने वाली पूर्णिमा की रात को मेरी शक्ति दोगुना हो जाएगी और उसी दिन मैं तेरा और रोहित का विवाह करवा दूंगी। मोना चुड़ैल ये सब सुनकर बहुत खुश होती है, परंतु कोने में खड़ी पलक ये सब सुन लेती है और वो अपने भाई के लिए चिंतित होने लगती है। पलक बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसके भाई की शादी एक चुड़ैल से हो। पलक फौरन जाकर ये सारी बात अपने भाई रोहित को बताती है। रोहित और पलक इस सुनसान जंगल में बिल्कुल फंस चुके थे, परंतु वो उस चुड़ैल के शक्तियों के आगे कुछ नहीं कर सकते थे। तभी पलक के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो मोना और डायना चुड़ैल को खाना में नींद की दवाई मिलाकर खिला देती है। और थोड़ी देर बाद जब वे दोनों सो जाते हैं तो रोहित और पलक पांव दबाकर वहां से भाग जाते हैं। रोहित और पलक उस घने जंगल का रास्ता नहीं जानते थे। वे रात भर चलते चलते बहुत थक जाते हैं और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब ये मार डायना चुड़ैल को पता चलती है तो वो अपने जादुई गोले में देखकर पता लगा लेती है कि वे दोनों कहाँ गए हैं। फिर वो देखती है कि वे दोनों जंगल में थके हारे एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। यही जंगल में चढ़ने दो इन दोनों भाई बहनों को, इस जादुई जंगल से निकलने का रास्ता केवल मुझे पता है। दो चार दिन जब भूख से मरने लगेंगे तब अपने आप यहाँ महल में वापस आ जाएंगे। रोहित और पलक की जब नींद खुलती है तो वो अपने आप को एक सुनसान जंगल में देखते हैं। अच्छा हुआ भैया हम उस चुड़ैल के महल से भाग आए, नहीं तो वो चुड़ैल हमारी जान ही ले लेती।
हाँ हाँ बहन, अब हम इस जंगल में नहीं रहेंगे। और इस तरह दोनों भाई बहन खाने का सामान ढूंढने के लिए जंगल में घूमने लगते हैं। वह देखो बहन, वहाँ कितना स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन रखा है, जरूर यह भोजन हमारे लिए ही है, चलो जल्दी से जाकर खा लेते हैं। नहीं भैया, इस सुनसान जंगल में इतना सारा स्वादिष्ट खाना कहाँ से आया? जरूर उस जाएं चुड़ैल की कोई चाल होगी, हमें ये खाना नहीं खाना चाहिए। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो, मेरे दिमाग में तो ख्याल आया ही नहीं कि वह चुड़ैल तो बहुत ही मायावी और शक्तिशाली है। थोड़ा और आगे चलकर रोहित को बहुत ही जोरों से प्यास लगने लगती है और वो एक तालाब के पास पहुंचता है। तुम यही रुको पलक, मैं अभी पानी पीकर आता हूँ। इतना कहकर रोहित तालाब के पास पहुंच जाता है। तभी तालाब के अंदर से एक आवाज आती है, रुको रोहित, अगर तुम मेरा पानी पियोगे तो तुम एक जानवर में बदल जाओगे। रोहित का प्यास से गला सूख रहा होता है, वो तालाब की बात ना सुनकर तालाब से पानी पी लेता है। पानी पीते ही वो एक हिरण में बदल जाता है। ये सब देख रोहित को अपने ऊपर विश्वास नहीं होता और वो पलक के पास जाता है। अरे ये हिरण तो बहुत ही सुंदर नजर आ रहा है, इस सुनसान जंगल में इतना सुंदर हिरण कहाँ से आया? पलक, मैं तुम्हारा भाई रोहित हूँ, यह जरूर चुड़ैल की कोई चाल है जिस वजह से मैं तालाब का पानी पीते ही एक हिरण में बदल गया हूँ। भैया, इस जंगल में बहुत बड़े बड़े जंगली जानवर है, वो तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं, इसलिए कृपया आप मेरे साथ ही रहना। और वो दोनों जंगल में कहीं रहने की जगह ढूंढने लगते हैं। पलक लकड़ियां इकट्ठी करके जंगल में रहने के लिए एक कुटिया बना लेती है। चलो भैया अंदर चलो, आज से हम इस कच्चे घर में ही रहेंगे। इतना कहकर दोनों उस कुटिया में चले जाते हैं। भैया आप यहीं रहकर विश्राम कीजिए, मैं आपके लिए जंगल से हरी घास और अपने लिए कुछ सब्जियां और फल ले आती हूँ। इतना कहकर पलक जंगल में फल तोड़ने चली जाती है। उस दिन ढोलकपुर राज्य के राजकुमार जंगल में शिकार खेलने के लिए आए हुए थे। वो पलक को जंगल से फल तोड़ता देख पूछते हैं, हे सुंदरी, तुम इस सुनसान जंगल में अकेली क्या कर रही हो और तुम्हारा घर कहाँ है? राजकुमार, मैं इसी जंगल में एक कुटिया में अपने भाई के साथ रहती हूँ। और भी सारी बात वो राजकुमार को बताती है। सभी बातें सुनने के बाद राजकुमार कहते हैं, तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जिंदगी इस सूखे जंगल में नहीं बल्कि एक राजमहल में है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, क्या तुम हमारे राज्य की रानी बनोगी? ठीक है, परंतु ये फैसला मैं अकेले नहीं ले सकती, पास ही मेरी कुटिया है, वहाँ चलकर मैं अपने भाई से पूछकर आपको बताती हूँ। और राजकुमार और पलक रोहित के पास पहुँच जाते हैं। पलक सारी बातें अपने भाई को बताती है। ये सब सुन रोहित खुशी से कहता है, यह तो बड़े ही सौभाग्य की बात है कि स्वयं ढोलकपुर के राजकुमार ने मेरी बहन को पसंद किया है, हमें यह रिश्ता मंजूर है। और राजकुमार रोहित और पलक को अपने साथ महल ले आते हैं, जहां डायना चुड़ैल अपने जादुई गोले में देखती है कि पलक एक रानी की तरह सभी सुख सुविधाओं का आनंद उठा रही है और रोहित एक हिरण में बदल गया है। ये सब देख डायना चुड़ैल और मोना चुड़ैल को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो सीधा राजमहल में प्रकट हो जाती है। डायना चुड़ैल अपनी जादुई शक्तियों से पलक को बेहोश कर देती है और अपनी बेटी मोना चुड़ैल का रूप बदलकर उसे पलक जैसा कर देती है। डायना चुड़ैल बेहोश पलक को अपने साथ उस भूतिया महल में बंदी बनाकर डाल देती है। थोड़ी देर बाद राजकुमार जब पलक के कमरे में पहुंचते हैं तो पलक उन्हें मीट खाते हुए दिखाई देती है। पलक, तुम तो बता रही थी कि तुम्हें मांसाहारी भोजन पसंद नहीं, फिर आज तुम इस तरह बिल्कुल एक चुड़ैल की तरह मीट खा रही हो। नहीं जी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि मुझे तो केवल मीट ही पसंद है। राजकुमार को आज पलक का व्यवहार कुछ अलग लगता है और वे कुछ समझ नहीं पाते। राजकुमार कमरे से बाहर आ जाते हैं। राजकुमार अभी भी यही सोच रहे होते हैं कि उन्होंने गलत सुना था क्या कि पलक मीट खाती है या नहीं। राजकुमार ये बात पूछने रोहित के पास वाटिका में जाते हैं। रोहित,
क्या तुम्हारी बहन को मीट खाना बहुत पसंद है? आज मैं उसे कक्ष में इस तरह मीट खाते हुए देखकर हैरान रह गया। ये क्या कह रहे हैं आप राजकुमार? मेरी बहन तो शुद्ध शाकाहारी है, वह केवल फल और सब्जियां खाती है। मैंने अभी अपने आँखों से उसे मीट खाते हुए देखा है। चलिए मेरे साथ, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि मेरी बहन इतनी जल्दी इतनी बदल गई। और दोनों पलक के कमरे में जाने लगते हैं। तभी वे देखते हैं कि पहले तो हंस हंस के डायना चुड़ैल से बातें कर रही है। राजकुमार और रोहित दोनों छुपकर पलक और डायना की सारी बातें सुन लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि ये तो मोना चुड़ैल है जिसने पलक का भेष बना रखा है। राजकुमार और रोहित चुपके से वहां से चले जाते हैं और आकर अपने राजगुरु को ये सारी बातें बताते हैं। इस सब का एक ही उपाय है कि तुम यहाँ से 500 किलोमीटर दूर नैनीताल के जंगल से वह जादुई जड़ी बूटी लाकर डायन और मोना दोनों चुड़ैल को खिला दो, तो उसकी शक्तियाँ अपने आप खत्म हो जाएगी। जी गुरुजी, मैं स्वयं जाकर वह जादुई जड़ी बूटी लेकर आऊँगा। इतना कहकर राजकुमार अपने दो सैनिकों के साथ नैनीताल के जंगलों के लिए निकल जाते हैं। राजकुमार 7 दिनों का लंबा सफर करके उस जंगलों से वे जड़ी बूटी ले आते हैं। राजकुमार अपने रसोईया से कहकर वो जड़ी बूटी मीट में मिलाकर पलक के कमरे में रख आते हैं और थोड़ी देर बाद मोना और डायना दोनों चुड़ैल उस स्वादिष्ट मीट को खा लेती है और दोनों की शक्तियाँ खत्म हो जाती है। सैनिकों, पकड़ लो इन दोनों माँ बेटियों को और इन्हें कारागार में डाल दो। राजकुमार, हमसे पंगा लेने की जुर्रत मत करना, नहीं तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम्हें मेरी जादुई शक्तियों का अंदाजा नहीं है, मैं चुटकियों में तुम्हें यहीं भस्म कर दूंगी। मैं तुम जैसी नीच और कायर चुड़ैल से नहीं डरता हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो। चुड़ैल गुस्से से आकर अपनी जादुई छड़ी राजकुमार की तरफ घुमाती है, परंतु राजकुमार को कुछ नहीं होता। तुम्हारी सभी जादुई शक्तियाँ नष्ट हो चुकी है और तुम एक साधारण इंसान में बदल गई हो। चुड़ैल के नष्ट होते ही पलक का भाई भी वापस इंसानी रूप में आ जाता है और फिर राजकुमार और रोहित मिलकर भूतिया जंगल में जाकर पलक को छुड़ा लाते हैं और इस तरह से सारे हंसी खुशी से रहने लगते हैं। परी की बारिश। बहुत समय पहले की बात है, परीलोक में बहुत सारी सुंदर सुंदर परियां हंसी खुशी से रह रही थी और सभी परियां आपस में मिलजुल कर गरीबों की मदद किया करती थी। परियों की बदौलत सभी गांव वाले हंसी खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे, परंतु चुड़ैल लोक में भयंकर परी रहती थी जो लोगों की खुशियों से बहुत जलती थी। भयंकर परी गांव वालों के साथ कुछ न कुछ हरकतें करती रहती थी और उन्हें परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन भयंकर परी अपने दोस्त कमबंद राक्षस को बुलाती है और वह राक्षस परी लोक पर हमला कर देता है। वो परियों की जादुई छड़ी छीन लेता है और उनको रस्सी से बांध देता है। परियों को अपने साथ उड़ाकर भयंकर लोग चला जाता है। अपने आप को इतना असहाय देख परियां बहुत दुखी हो जाती है। अरे अब क्या होगा, ये तो हमें अपने साथ भयंकर लोग उड़ा कर ले जा रहा है। अरे हाँ, इस राक्षस ने तो हमारी छड़ी भी छीन ली है, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लगता है अब हमें जिंदगी भर के लिए भयंकर परी की गुलामी करनी होगी। लेकिन तभी सोना परी को नीचे एक बहुत बड़ी झील दिखाई देती है। सोना परी कहती है, सुनो परियां, अगर हमें इस राक्षस के कब्जे से बाहर निकलना है तो हमें नीचे नदी में कूद जाना चाहिए। अगर हम इस समय नदी में नहीं कूदे तो ये हमें उड़ाकर आगे ले जाएगा। ये सुनकर सभी परियां सोना परी की बात मान लेती है और चुपके से सभी परियां नदी में कूद जाती है। ये सारा दृश्य गांव के कुछ लोग देख रहे होते हैं। अरे ये तो कमाल हो गया, यहाँ तो ढेर सारी परियों की बारिश हो रही है। अरे नहीं, मुझे तो ये कोई शैतानी ताकत का काम लगता है भाइयों। कहीं ये सब चुड़ैले तो नहीं है? अगर हम इनके पास गए तो कहीं ये हमें मारकर खा ना जाए। हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए। इस तरह गांव वाले परियों की बारिश होते देख वहाँ से डर कर भाग जाते हैं। गांव वालों को भागता देख राक्षस की नज़र परियों को नदी में कूदते हुए पड़ जाती है और वो राक्षस उनके पीछे पड़ जाता है और उन परियों को पकड़ लेता है और उन्हें बंदी बनाकर अपनी गुफा में ले जाता है।
कल सुबह होते ही मैं तुम्हें सभी परियों को एक एक करके खत्म कर दूंगा और उसके बाद तुम सभी परियों की ताकत मेरी हो जाएगी और मैं बहुत शक्तिशाली राक्षस बन जाऊंगा और पूरी दुनिया पर राज करूंगा। दूसरी तरफ सोना परी राक्षस की नजर से बच जाती है और वो नदी में तैरकर एक पेड़ के पास पीछे जाकर छुप जाती है। थोड़ी देर बाद शीतल नाम की एक लड़की वहाँ पर आती है। शीतल की नजर सोना पर पड़ती है। शीतल परी की बीमार हालत देखकर उसे अपने घर ले आती है। नदी में बहुत देर तक रहने की वजह से सोना परी को बहुत ठंड लग जाती है और जुखाम हो जाता है। शीतल परी की बहुत सेवा करती है, परी को कपड़े बदलने को देती है और गर्मा गर्म चाय पकौड़े खिलाती है। परी जी, आपकी ये हालत कैसी हुई? सोना शीतल को सभी बातें बता देती है। उसके बाद सोना परी और शीतल मिलकर बाकी की परियों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी शीतल और सोना परी को बाकी परियां कहीं नहीं मिलती। लगता है राक्षस उन्हें कहीं दूर ले गया। पता नहीं सारी परियां कैसी होगी। इतना कहकर सोना परी बहुत दुखी हो जाती है। आप चिंता मत करो परी जी, मैं उन सभी परियों को राक्षस से आजाद कराने में आपकी मदद करूंगी। ये सुनकर सोना परी बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद शीतल और सोना परी दोनों घर वापस चले जाते हैं। तभी शीतल अपने घर में रखे हुए एक जादुई छड़ी के बारे में बताती है। परी जी, ये हमारे खानदान की यानी कि पुरखों की बहुत ही कीमती धरोहर है। इस छड़ी में ढेर सारी शक्तियाँ हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो राक्षस इस छड़ी का मुकाबला नहीं कर पाएगा। यहाँ दूसरी तरफ वो राक्षस परियों को मारने के लिए अपनी जादुई शक्तियों से एक विशाल कटोरे में तेल गरम कर रहा था। अरे नहीं, लगता है ये राक्षस हमें गर्म तेल से भरे इस कटोरी में डालकर हमें जान से मार देगा। लगता है अब हम सबका बचना बहुत मुश्किल है। चलो तुम सभी परियां अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम लोगों ने भयंकर परी का जीना दुश्वार कर रखा है। तुम्हारा मरना बहुत जरूरी है। राक्षस के इतना कहते कहते शीतल और सोना परी वहाँ पहुँच जाती है। राक्षस, उन सभी परियों को छोड़ दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, अब तुम्हारा समय खत्म हुआ राक्षस। अंत में बुराई का विनाश होना तय है। बुराई अच्छाई के आगे कभी नहीं जीत सकती है। अब तुम्हारा समय खत्म हुआ। भलाई इसी में होगी कि तुम हमसे माफ़ी मांग लो और हमारी सारी परियों को हमें वापस लौटा दो। शीतल और सोना परी की बातें सुनकर राक्षस को बहुत गुस्सा आता है और वो आग बबूला हो जाता है। राक्षस शीतल पर हमला कर देता है। तभी शीतल अपनी पुरखों की धरोहर वो जादुई सोने की छड़ी बाहर निकालती है और वो उस छड़ी से राक्षस से लड़ना शुरू कर देती है। कुछ देर तक शीतल और राक्षस में युद्ध चलता रहता है। अंत में शीतल राक्षस को हरा देती है और राक्षस जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही वो राक्षस मर जाता है, उसकी सभी शक्तियाँ खत्म हो जाती है और सभी परियाँ उसके कैद से मुक्त हो जाती है और उन सभी परियों को उनके जादुई छड़ी भी वापस मिल जाती है। उसके बाद सभी परियाँ मिलकर शीतल को तहे दिल से धन्यवाद करती है। क्योंकि शीतल बहुत अच्छी लड़की थी, इसलिए परी उसको एक तोहफा देती है। शीतल, मुसीबत में तुमने हमारी बहुत सहायता की, इसके बदले में हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। सोना परी शीतल को एक जादुई छड़ी देती है। शीतल, क्योंकि तुमने हम सभी परियों को हमारी छड़ी वापस दिलवाई है, इसलिए मैं भी तुम्हें ये जादुई छड़ी देना चाहती हूँ। इस छड़ी की मदद से तुम लोगों की मदद कर सकती हो। जिस तरह हम सभी परियां गरीबों की जरूरत में मदद करती है, आज के बाद तुम भी उनकी मदद कर सकोगी। लेकिन परी जी, आप ये जादुई छड़ी इतने विश्वास के साथ मुझे कैसे दे सकती हैं? अगर लालच में आकर मैंने कोई गलत काम कर दिया तब क्या होगा? शीतल, कुछ दिनों में मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से पहचान लिया है और मुझे पूरा यकीन है तुम एक बहुत ही नेक दिल और ईमानदार लड़की हो और तुम कभी किसी का बुरा नहीं चाहोगी, इसलिए मैं तुम्हें ये छड़ी देना चाहती हूँ। धन्यवाद परी जी, मैं भी आज के बाद आप सभी परियों की तरह जरूरतमंद लोगों की मदद किया करूंगी। इतना कहकर सभी परियों को अलविदा कहती है और सभी परियां वापस परीलोक चली जाती है। यहाँ पृथ्वी पर शीतल जादुई छड़ी की मदद से गरीबों की सहायता
और अपने आगे का जीवन जादुई छड़ी के साथ हंसी खुशी से बिताती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों। जूही आज बहुत खुश थी क्योंकि वो आज अपने माँ पिताजी के साथ जादू के शो में जा रही थी। वो जादू देखने के लिए बहुत उत्सुक थी जिसे वो आज देखने जा रही थी। जूही ने जादूगर के जादू के कारनामे अपने दोस्तों से बहुत सुना था। जूही ने रास्ते में ही अपने पिताजी से जादूगर के बारे में कई सारी बातें करी। उसके पिताजी भी बहुत खुश थे पर जूही को ज्यादा ही खुश थी। अब वे सभी सभा भवन में पहुँचे और अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। शो बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि जूही ने उम्मीद की थी। यहाँ का जादू बहुत ही मजेदार था क्योंकि जादूगर बहुत मजा कराया करता था और आज से पहले जूही ने इतने सारे जादू नहीं देखे थे। जूही और उसके माता पिता दोनों ही चकित थे क्योंकि उनकी आंखों के सामने इतने सारे जादू हो रहे थे और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो रहा है। जब शो खत्म हो गया तब वो सभा भवन से चले गए, लेकिन तभी जूही ने देखा कि जादूगर अपनी जादू की छड़ी वहीं कोने में छोड़ गया है। जूही ने उस छड़ी को उठाया और अपने माता पिता की अनुमति लेकर जादूगर को उसकी छड़ी लौटाने गई। जादूगर भी उस छोटी सी बच्ची जूही से बहुत खुश हुआ। जादूगर ने जूही से वो छड़ी लेकर बोला, धन्यवाद छोटी राजकुमारी। जादूगर ने एक उपहार देते हुए जूही को बोला, यह लो, यह मेरी तरफ से उपहार समझकर रख लो। जादूगर ने एक सूट सलवार का जोड़ा जूही को दे दिया। याद रखना, यह एक जादुई सूट सलवार है, इसे पहनकर जो कुछ भी आप मांगोगे वह आपको देगा। जूही बहुत खुश हो गई और उसकी खुशी देखकर जादूगर एक चेतावनी देते हुए कहा, लेकिन याद रखना, इसे अपनी इच्छा जो कुछ भी तुम इस सूट सलवार से पूरी करवाओगी, बदले में तुम एक इंच छोटी होते जाओगी। जूही जादुई सूट सलवार पाकर बहुत खुश हुई और जादूगर को धन्यवाद कहा। वो जादूगर से कुछ जादू सीखना चाहती थी पर उसके माता पिता बाहर उसका इंतजार कर रहे थे, इसलिए उसे जल्दी जाना पड़ा। उसने जादूगर को फिर से धन्यवाद दिया और घर के लिए रवाना हो गई। अगले ही दिन जब घर पर कोई नहीं था तो जूही ने उस जादुई सूट सलवार का उपयोग करने का सोचा। जूही ने अब वो सूट सलवार पहन लिया और आंखें बंद करके और अपने मन में सोचने लगी कि अब वो क्या मांगे। फिर उसने कहा, चॉकलेट। जूही के इतना कहते ही वहाँ चॉकलेट आ जाती है। वो ये देखकर बहुत खुश हुई और उसने वो चॉकलेट खा ली। उसने चॉकलेट खाकर फिर से और बहुत सारी चॉकलेट मांगी। जूही ने इतनी सारी चॉकलेट्स मांग ली कि उसका पूरा कमरा चॉकलेट से भर गया। अचानक जूही को एहसास हुआ कि उसकी चॉकलेट आकार में बढ़ रही है। वो अपने घर को चारों तरफ से घूम के देख रही थी क्योंकि उसे अपने से सारी चीजें बहुत बड़ी लग रही थी। फिर जूही ने एहसास किया कि वो एक प्लास्टिक की गुड़िया जितनी आकार में बदल गई है। फिर उसने अपनी बिल्ली को अपनी ओर आने से रोका क्योंकि बिल्ली उसके लिए एक बाग जितनी बड़ी थी। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद की और बिल्ली को पिंजरे में बंद करने की कामना की, पर अब उसने जब अपनी आंखें खोली तो बिल्ली पिंजरे में थी, लेकिन बिल्ली पहले से भी आकार में और बड़ी दिख रही थी। तब जूही को एहसास हुआ कि वो एक चूहे के आकार की जितनी छोटी हो गई है। तभी उसने एक चूहे को अपनी ओर आते हुए देखा। उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और चूहे को बहुत दूर फेंकने की कामना की, और अब उसने अपनी आंखें खोली तो चूहे को पहले ही बाहर फेंक दिया गया था, लेकिन जूही अब तक कॉकरोच के आकार की हो चुकी थी। अब जूही को कॉकरोच का डर था। इस समय जूही बहुत चिंतित थी और वो ये नहीं जानती थी कि अब उसे क्या करना है। लेकिन तभी उसके माँ पिताजी घर आ जाते हैं, तब जाकर जूही ने राहत की सांस ली। जूही ने अपने माँ पिताजी को बुलाया लेकिन उसके माँ पिताजी जूही की आवाज़ सुन नहीं पाए। उसे जितना तेज हो सकता था वो चिल्लाई पर उसकी आवाज़ उसके माता पिता तक नहीं पहुँची। जब उसके माँ पिताजी घर के अंदर पहुँचे तो उन्होंने बहुत सारी चॉकलेट देखी
लेकिन जूही घर के आसपास कहीं भी नहीं थी। और जब जूही के माँ पिताजी ने बिल्ली को पिंजरे में देखा तो बिल्ली को पिंजरे से आजाद कर दिया। अब जूही के पापा ने जूही को इन सब के बारे में पूछने के लिए बुलाया। जूही इधर आओ। लेकिन जूही के माँ पिताजी को जूही कहीं नहीं मिली और फिर बिल्ली ने उन्हें दिखाया कि जूही कहाँ है। बिल्ली उसकी मम्मी को जूही के पास लेकर आती है। तब उसकी मम्मी देखती है कि जूही एक कोने में बैठकर रो रही थी। जूही का आकार इतना छोटा सा देखकर उसके पिता ने अपने हाथ में उसे उठाया और पूछा, क्या हुआ जूही? जूही ने रोती आंखों से अपने पिता को सब कुछ बताया। जूही और उसके माता पिता तुरंत जादूगर के पास गए और उन्हें अपनी समस्या बताई। ये सब देखकर जादूगर मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, आप इस सूट के दो टुकड़े कर दो। एक टुकड़ा मेरे पास यहाँ छोड़ दो और एक टुकड़ा दूर नदी में कहीं भी छोड़ दो। फिर कल जूही अपने सामान्य आकार में वापस आ जाएगी। जूही के पिताजी ने सूट को दो टुकड़े में फाड़ दिया। जादूगर के पास एक टुकड़ा छोड़ दिया और एक दूसरा टुकड़ा घर के रास्ते पड़ने वाली एक नदी पर छोड़ दिया। अगली सुबह जब जूही सोकर उठी तो वह अपने सामान्य आकार में थी। और अब जूही को समझ में आ गया था कि जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। जूही आज बहुत खुश थी क्योंकि वो आज अपने माँ पिताजी के साथ जादू के शो में जा रही थी। वो जादू देखने के लिए बहुत उत्सुक थी जिसे वो आज देखने जा रही थी। जूही ने जादूगर के जादू के कारनामे अपने दोस्तों से बहुत सुना था। जूही ने रास्ते में ही अपने पिताजी से जादूगर के बारे में कई सारी बातें करी। उसके पिताजी भी बहुत खुश थे पर जूही कुछ ज्यादा ही खुश थी। अब वे सभी सभा भवन में पहुँचे और अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। शो बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि जूही ने उम्मीद की थी। यहाँ का जादू बहुत ही मजेदार था क्योंकि जादूगर बहुत मजा कराया करता था और आज से पहले जूही ने इतने सारे जादू नहीं देखे थे। जूही और उसके माता पिता दोनों ही चकित थे क्योंकि उनकी आंखों के सामने इतने सारे जादू हो रहे थे और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो रहा है। जब शो खत्म हो गया तब वो सभा भवन से चले गए। लेकिन तभी जूही ने देखा कि जादूगर अपनी जादू की छड़ी वही कोने में छोड़ गया है। जूही ने उस छड़ी को उठाया और अपने माता पिता की अनुमति लेकर जादूगर को उसकी छड़ी लौटाने गई। जादूगर भी उस छोटी सी बच्ची जूही से बहुत खुश हुआ। जादूगर ने जूही से वो छड़ी लेकर बोला, धन्यवाद छोटी राजकुमारी। जादूगर ने एक उपहार देते हुए जूही को बोला, यह लो, यह मेरी तरफ से उपहार समझकर रख लो। जादूगर ने एक सूट सलवार का जोड़ा जूही को दे दिया। याद रखना, यह एक जादुई सूट सलवार है। इसे पहनकर जो कुछ भी आप मांगोगे वह आपको देगा। जूही बहुत खुश हो गई और उसकी खुशी देखकर जादूगर एक चेतावनी देते हुए कहा, लेकिन याद रखना, इसे अपनी इच्छा जो कुछ भी तुम इस सूट सलवार से पूरी करवाओगी, बदले में तुम एक इंच छोटी होते जाओगी। जूही जादुई सूट सलवार पाकर बहुत खुश हुई और जादूगर को धन्यवाद कहा। वो जादूगर से कुछ जादू सीखना चाहती थी पर उसके माता पिता बाहर उसका इंतजार कर रहे थे, इसलिए उसे जल्दी जाना पड़ा। उसने जादूगर को फिर से धन्यवाद दिया और घर के लिए रवाना हो गई। अगले ही दिन जब घर पर कोई नहीं था तो जूही ने उस जादुई सूट सलवार का उपयोग करने का सोचा। जूही ने अब वो सूट सलवार पहन लिया और आंखें बंद करके और अपने मन में सोचने लगी कि अब वो क्या मांगे। फिर उसने कहा, चॉकलेट। जूही के इतना कहते ही वहाँ चॉकलेट आ जाती है। वो ये देखकर बहुत खुश हुई और उसने वो चॉकलेट खा ली। उसने चॉकलेट खाकर फिर से और बहुत सारी चॉकलेट मांगी। जूही ने इतनी सारी चॉकलेट्स मांग ली कि उसका पूरा कमरा चॉकलेट से भर गया। अचानक जूही को एहसास हुआ कि उसकी चॉकलेट आकार में बढ़ रही है। वो अपने घर को चारों तरफ से घूम के देख रही थी क्योंकि उसे अपने से सारी चीजें बहुत बड़ी लग रही थी। फिर जूही ने एहसास किया कि वो एक प्लास्टिक की गुड़िया जितनी आकार में बदल गई है। फिर उसने अपनी बिल्ली को अपनी ओर आने से रोका क्योंकि बिल्ली उसके लिए एक बाग जितनी बड़ी थी। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद की और बिल्ली को पिंजरे में बंद करने की कामना की। पर अब उसने जब अपनी आंखें खोली तो बिल्ली पिंजरे में थी, लेकिन बिल्ली पहले से भी आकार में और बड़ी दिख रही थी।
तब जूही को एहसास हुआ कि वो एक चूहे के आकार के जितनी छोटी हो गई है। तभी उसने एक चूहे को अपनी ओर आते हुए देखा। उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और चूहे को बहुत दूर फेंकने की कामना की। और अब उसने अपनी आंखें खोली तो चूहे को पहले ही बाहर फेंक दिया गया था। लेकिन जूही अब तक कॉकरोच के आकार की हो चुकी थी। अब जूही को कॉकरोच का डर था। इस समय जूही बहुत चिंतित थी और वो ये नहीं जानती थी कि अब उसे क्या करना है। लेकिन तभी उसके माँ पिताजी घर आ जाते हैं। तब जाकर जूही ने राहत की सांस ली। जूही ने अपने माँ पिताजी को बुलाया लेकिन उसके माँ पिताजी जूही की आवाज सुन नहीं पाए। उसे जितना तेज हो सकता था वो चिल्लाई पर उसकी आवाज उसके माता पिता तक नहीं पहुंची। जब उसके माँ पिताजी घर के अंदर पहुंचे तो उन्होंने बहुत सारी चॉकलेट देखी लेकिन जूही घर के आसपास कहीं भी नहीं थी। और जब जूही के माँ पिताजी ने बिल्ली को पिंजरे में देखा तो बिल्ली को पिंजरे से आजाद कर दिया। अब जूही के पापा ने जूही को इन सब के बारे में पूछने के लिए बुलाया। जूही इधर आओ। लेकिन जूही के माँ पिताजी को जूही कहीं नहीं मिली और फिर बिल्ली ने उन्हें दिखाया कि जूही कहाँ है। बिल्ली उसकी मम्मी को जूही के पास लेकर आती है। तब उसकी मम्मी देखती है कि जूही एक कोने में बैठकर रो रही थी। जूही का आकार इतना छोटा सा देखकर उसके पिता ने अपने हाथ में उसे उठाया और पूछा, क्या हुआ जूही? जूही ने रोती आंखों से अपने पिता को सब कुछ बताया। जूही और उसके माता पिता तुरंत जादूगर के पास गए और उन्हें अपनी समस्या बताई। ये सब देखकर जादूगर मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, आप इस सूट के दो टुकड़े कर दो। एक टुकड़ा मेरे पास यहाँ छोड़ दो और एक टुकड़ा दूर नदी में कहीं भी छोड़ दो। फिर कल जूही अपने सामान्य आकार में वापस आ जाएगी। जूही के पिताजी ने सूट को दो टुकड़े में फाड़ दिया, जादूगर के पास एक टुकड़ा छोड़ दिया और एक दूसरा टुकड़ा घर के रास्ते पड़ने वाली एक नदी पर छोड़ दिया। अगली सुबह जब जूही सोकर उठी तो वो अपने सामान्य आकार में थी और अब जूही को समझ में आ गया था कि जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों। एक गांव में पूजा और सुनैना नाम की दो सहेलियाँ रहती थी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती थी। सुनैना बहुत ही लालची और मतलबी लड़की थी। दूसरी तरफ पूजा बहुत ही समझदार और ईमानदार लड़की थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। पूजा की माँ एक बहुत ही नेक दिल और दयालु किस्म की महिला थी। वो सभी लोगों की मदद किया करती थी। पूजा की माँ सिलाई का काम किया करती थी और उसका बुटीक पूरे गांव में बहुत फेमस था। एक दिन सुनैना सोचती है, मैं पूजा से दोस्ती कर लेती हूँ और मैं उसकी माँ से सिलाई का काम सीख लूँगी और पूरे गांव में उसकी माँ की तरह फेमस हो जाऊंगी। सुनैना इतना सोचते सोचते पूजा के पास जाती है। अरे पूजा, तुम्हारी माँ को तो सिलाई का काम आता है ना, तो तुम्हें भी आती ही होगी सिलाई करनी। क्या तुम मुझे सिलाई करना सिखा सकती हो? अरे नहीं नहीं सुनैना, मुझे तो बस थोड़ी बहुत ही सिलाई करनी आती है। और हाँ, सिलाई सीखना कोई आम बात नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम होता है। अरे यार, मेरा एक सपना है कि मैं एक बहुत बड़ी कपड़ों की दुकान खोलूं और उसकी मालकिन बनूं। क्या तुम इसमें मेरी कुछ मदद नहीं कर सकती हो? एक काम करो, तुम अपनी माँ को बोलो ना कि वो मुझे सिलाई सिखाएगी। अच्छा ठीक है, मैं आज अपनी माँ से बात करूँगी कि वो तुम्हें सिलाई सिखा दे। पूजा अपनी कक्षा में सभी बच्चों को हंसाया करती थी और उनका मनोरंजन भी करती थी। अरे पूजा, तुम हमें कोई चुटकुला सुनाओ ना। तभी पूजा सभी बच्चों के सामने एक चुटकुला सुनाती है। ये सुनकर सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं और पूजा के लिए तालियां बजाते हैं। जरा देखो तो इस पागल को, ये छोटा मोटा चुटकुला सुनाकर बच्चों के सामने हीरोइन बनती फिर रही है। मैं जल्दी से इसकी माँ से बुटीक का काम सीख लूंगी और सभी बच्चों को अपना टैलेंट दिखाऊंगी। सुनैना पूजा की माँ से बुटीक का काम सीखने लगती है और छोटे मोटे कपड़े सिलना सीख जाती है। एक दिन, पूजा मुझे तुम्हारे घर पर जाना है,
तुम कभी मुझे अपने घर पर क्यों नहीं बुलाती हो? क्या मैं तुम्हारी अच्छी सहेली नहीं हूँ? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो ठीक है, तुम एक काम करो, तुम कल मेरे घर पर आ जाओ। फिर सुनैना अगले ही दिन पूजा के घर पहुँच जाती है। थोड़ी देर बाद पूजा की माँ एक सुंदर सा लहंगा सिलकर लाती है। अरे वाह, कितना अच्छा लहंगा है ये, मुझे भी ये लहंगा एक बार पहनना है। माँ, आप इसे एक बार ये लहंगा पहनने दीजिए, मेरी सहेली का बहुत मन है इसे पहनने का। पूजा की माँ सुनैना को वो लहंगा पहनने को दे देती है, जिसे पहनकर सुनैना बहुत खुश होती है। अगले दिन फिर से सुनैना पूजा के घर पहुँच जाती है। वो देखती है कि पूजा की माँ आज घर पर नहीं है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है। पूजा की बच्ची को पटा लेती हूँ और वो सुंदर सा लहंगा जो इसकी माँ ने सिला है वो ले लेती हूँ और उसे पहनकर पूरे गांव में घूम कर आती हूँ। अरे पूजा, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो ना, क्या तुम मुझे फिर से अपनी माँ का सिला हुआ वो सुंदर सा लहंगा पहनने के लिए दे सकती हो क्या? अरे नहीं नहीं, जब मेरी माँ आ जाएगी तब मैं उनसे पूछकर तुम्हें वो लहंगा पहनने के लिए दे दूंगी। मैं अपनी माँ से बिना पूछे किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाती। मैं सब समझ गई हूँ, तो मेरी दोस्त हो ही नहीं, तुम एक बार भी मुझे अपनी माँ का सिला हुआ लहंगा पहनने के लिए नहीं दे सकती हो क्या? देखो तुम गुस्सा मत करो, अच्छा रुको मैं कोशिश करती हूँ। उसके बाद पूजा वो सुंदर सा लहंगा सुनैना को पहनने के लिए दे देती है और सुनैना के साथ पूरे गांव में घूमने लगती है। चलते चलते वो दोनों एक जंगल में पहुंच जाती है। वहां वो दोनों देखती है कि वहां पर बहुत ही सुंदर सोने और चांदी की नदी है। सुनैना, अब बहुत देर हो गई, अब हमें घर चलना चाहिए, अब माँ के आने का समय भी हो गया है। अगर माँ को हम घर पर नहीं मिले तो वो बहुत गुस्सा होंगी। अरे चलते हैं ना आराम से, इतनी भी क्या जल्दी है, एक बार मुझे इस सोने और चांदी की नदी को देख तो लेने दो। सुनैना बहुत जिद करके पूजा को रोक लेती है और फिर नदी की ओर आगे बढ़ती है। तभी वो सोने की नदी में देखती है कि वहाँ पर बहुत सारा सोना रखा हुआ है और चांदी वाली नदी में बहुत सारे हीरे मोती रखे हुए थे। ये देखकर सुनैना के मन में लालच आ जाता है। अरे पूजा देखो, यहाँ कोई भी नहीं है, चलो हम थोड़ा सा सोना उठा लेते हैं। अरे ये तुम क्या कर रही हो, हमें इस तरह किसी भी चीज को नहीं उठानी चाहिए, तुम मेरी मानो और चलो यहाँ से। पूजा सुनैना को अपने साथ ले जाती है, लेकिन सुनैना के मन में अभी भी बहुत लालच होता है। ये लड़की तो बिल्कुल पागल है, मुझे कैसे भी करके वो सोना मोती उठाना ही होगा और फिर मैं दुनिया की सबसे अमीर लड़की बन जाऊंगी। एक दिन सुनैना चुपके से जंगल की ओर जाती है और वो सोने चांदी की नदी के पास पहुंच जाती है। सुनैना सोने वाली नदी से बहुत सारा सोना उठा लेती है और चांदी वाली नदी से बहुत सारे हीरे उठा लेती है। सुनैना बहुत सारे धन दौलत लेकर वापस अपने घर आ जाती है। तभी वहां पर पूजा आ जाती है और वो इतना सारा सोना और हीरे मोती देखकर पूजा सुनैना को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। चोर कहीं की, तेरी हिम्मत कैसी हुई जो तू वहाँ से इतनी सारी धन दौलत बिना पूछे उठा कर ले आई? तेरी वजह से पता नहीं क्या क्या हो सकता है, तुझे शर्म आनी चाहिए। फिर बदले में सुनैना भी पूजा को दो थप्पड़ मारती है। अरे मामूली सी बुटीक वाली लड़की, मेरे सामने ज्यादा दिमाग मत चला, ये पकड़ अपनी माँ का सिला हुआ लहंगा और निकल जा यहाँ से। सुनैना धक्के मारकर पूजा को घर से बाहर निकाल देती है। वो दो सोने और चांदी की नदी मायावी नदी थी, जिन पर दो चुड़ैले राज किया करती थी। जब वो दोनों चुड़ैले उस नदी में आती है तो देखती है कि अरे ये देखो, मेरा तो सारा धन चोरी हो गया है। क्या तुम चलो मेरे साथ, मेरे घर में भी जाकर देखते हैं, ये क्या मेरे घर से भी हीरे मोती चोरी हो गए हैं? आखिर ये चोरी की किसने है? जिसने भी चोरी की है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दोनों चुड़ैल अपनी जादुई शक्तियों से चोरी करने वाली की शक्ल देख लेती है। अच्छा तो ये है वो चोर, चलो इसको अब सबक सिखाते हैं। फिर दोनों चुड़ैले बहनें सुनैना के घर पहुंच जाती है। सुनैना उन दोनों चुड़ैलों को देखकर बहुत बुरी तरह से डर जाती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तूने मेरे घर पर आकर चोरी की? क्या चोरी? नहीं नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है।
देख लालची लड़की, हमसे झूठ बोलने की कोशिश मत कर। हम सब जानते हैं कि तूने ही हमारे सोने चांदी वाली नदी से चोरी की है। अब हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं, मैंने सच में कोई चोरी नहीं की है। वो तो मेरे दोस्त पूजा ने की थी। अरे, मैंने उसे बहुत मना किया था, लेकिन उसने मेरी एक नहीं मानी और सारा धन दौलत लेकर अपने घर में छुपा लिया। आप मेरी बात मानो, आप जाकर पूजा को पकड़ो और मुझे माफ कर दो, मैंने सच में कोई चोरी नहीं की है। फिर दोनों चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। तूने हम दोनों को क्या बेवकूफ समझ रखा है? हमें सब पता है कि चोर कोई और नहीं बल्कि तू खुद है। अरे लालची लड़की, हमने जानबूझकर अपने सोने चांदी की नदी में इतना धन दौलत रख रखा था ताकि तेरे जैसे लालची लोग आकर चोरी करें और हम उन्हें पकड़ ले और हम उन्हें हमेशा के लिए अपना गुलाम बना सके। दोनों चुड़ैल सुनैना को बहुत मारती है और उसे पकड़कर अपने साथ वापस नदी के पास ले जाती है और सोने वाली नदी में उसे कैद कर देती है। तभी एक दिन पूजा और उसकी माँ नदी के पास घूमने जाती है, तभी वहाँ से जोर जोर से रोने की आवाज आती है। अरे, ये तो सुनैना की आवाज है, मुझे लगता है वो बहुत परेशान है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। दोनों माँ बेटी सोने वाली नदी के पास जाती है कि तभी वहाँ पर वो दोनों चुड़ैल प्रकट हो जाती है। ठहरो, तुम इस घर के अंदर नहीं जा सकती हो। देखो, इस घर के अंदर मेरी दोस्त है और मुझे उसे बचाना है। अच्छा तो ठीक है, अगर तुम्हें सोने वाली नदी में जाओगी तो तुम्हें ढेर सारा सोना मिलेगा जिससे तुम अपने आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिता सकती हो, और अगर तुम चांदी वाले घर में गई तो मैं तुम्हें तुम्हारी दोस्त लौटा दूंगी। मुझे धन दौलत की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस अपनी सहेली को बचाना है, इसलिए मैं चांदी वाले घर में जाना पसंद करूंगी। सुनैना चांदी वाले घर के अंदर चली जाती है कि तभी वहाँ पर वो दोनों चुड़ैले प्रकट हो जाती है। तुम एक बहुत ही होशियार और ईमानदार लड़की हो, तुमने धन दौलत को छोड़कर अपने दोस्त को बचाने की सोची। फिर दोनों चुड़ैले सुनैना को छोड़ देती है और कहती है, देख लालची लड़की, आज हम तुझे तेरी दोस्त की वजह से छोड़ रहे हैं, लेकिन अगर आगे से तूने फिर से लालच किया तो तुझे अगली बार इससे भी दुगनी सजा मिलेगी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से सच में लालच नहीं करूंगी। उसके बाद पूजा और उसकी माँ अपने घर वापस चली जाती है और सुनैना को उसके घर छोड़ देती है। उसके बाद सुनैना और पूजा दोनों अच्छी सहेलियाँ बनकर एक साथ बहुत खुशी खुशी रहती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।